जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी आपका जो बैच है 02/2023 आपको इंतजार है कि एग्जामिनेशन कब होगा और सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपको किस तरीके से आपका पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो आपको जानना जरूरी है सेक्शन वन क्या है, सेक्शन टू क्या है और किन स्टूडेंट्स को ये सेक्शन वन और टू देने हैं, किसको नहीं देने हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और जो करेक्शन विंडो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी आपने यदि आपका फॉर्म ऑनलाइन जो है एडिटिंग नहीं किया है तो आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे, वरना नहीं भी दे पाएंगे, दोनों ऑप्शन होंगे। यदि दे पाते हैं तो स्टेज सेकंड में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपको अपडेट तो सबके सब आपको चैनल पर पहले दिए गए थे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट के बारे में दे रखा है कि टोटल कितनी वैकेंसी होने वाली है, तो आप इनको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मे बी आपके पास नोटिफिकेशन है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन दे रखा है। उसके बाद में अपन चलते हैं डायरेक्ट स्टेज वन जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन दे रखा है, लेकिन इसको आपको ये नहीं समझना है कि ऑफलाइन पेपर होगा। आपका जो पेपर है ऑनलाइन पेपर होने वाला है। स्टेज वन यहाँ पर आपको दिया हुआ है अच्छे तरीके से और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, चाहे आधार कार्ड है, आप कैंडिडेट्स के, यानी कैंडिडेट्स के सही होनी चाहिए। माता पिता यानी मदर फादर का उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसमें कुछ भी हो चाहे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है एक अल्फाबेट का भी, तो आपको कोस्ट गार्ड है एग्जामिनेशन से वंचित रख सकता है। यदि कोई प्रॉब्लम है और आप अभी तक सही नहीं करवाए हैं तो सही करवा लीजिएगा, आपके पास अंतिम मौका होगा। आप देख सकते हैं स्टेज वन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, बायोमेट्रिक जो रिकॉर्ड है आपका किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से दे रखी है। अब यहाँ पर आपकी दो पोस्ट होती है, पहले तीन थी, हालांकि अभी इस बार इस सेशन के अंदर दो को ही लिया गया है। नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच हो गया, उसके बाद में नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी। डीबी वाला है 10th बेस पर है और ये है आपका 12th बेस पर जीडी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर सेक्शन वन है और यहाँ पर सेक्शन वन और टू दोनों देने हैं। यहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, यहां पर भी आपको कट ऑफ का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आपको दे रखा है। अच्छे से जानेंगे कि सेक्शन वन में क्या होता है। सेक्शन वन में आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का पेपर होगा, ये बात अच्छे से आप जान लीजिए। यानी सेक्शन वन किसकी बात हो रही है, डीबी की बात हो रही है। तो यहां पर 45 मिनट आपको दिया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट ने ओनली फॉर ओनली डीबी का अप्लाई किया है तो उसको 45 मिनट मिलेगा, ठीक है। और टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी जान लो। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। तो आपने अच्छे तरीके से जान लिया होगा और इनको आप एड कर लीजिए, आपके टोटल इतने ही क्वेश्चन बनेंगे 60, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ पर पासिंग मार्क्स है ये आपका लिखा हुआ है, हालांकि ये मैटर नहीं करता है और मैं अभी से आपको कह देता हूं कि कट ऑफ इतना जाएगा, आप खुद सोच नहीं पाएंगे। लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है उसी के रिगार्डिंग, यानी उसी के आसपास का कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। इंडियन कोस्ट गार्ड में लास्ट के आप 4 से 5 रिजल्ट है वो उठाकर देख लेना, आपको लगातार कंटिन्यू है, इसमें इंक्रीज ही मिलेगा, डिक्रीज नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से। तो आपको मेहनत करनी होगी और आपका जो सिलेबस रहेगा डीबी का वो 10th बेस पर रहेगा। यह सेक्शन टू क्या होगा, तो सेक्शन टू है वो आपका यानी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिन्होंने जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए होने वाला है, डीबी वालों के लिए नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि नाविक जीडी का जिसने भी पेपर यानी जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है जीडी का, तो उसको सेक्शन वन यानी डीबी का पेपर उसको देना ही देना पड़ेगा, प्लस में जीडी के लिए भी सिलेबस है यहां पर, तो वो दोनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जीडी वाले स्टूडेंट को। डीबी वाले के लिए एक सेक्शन होगा और सेक्शन टू और वन है
वो जीडी वाले के लिए होने वाला है। तो मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है 50 और 50 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और आपका जो टाइमिंग है वो 30 मिनट यहां पर दिया गया है। और जो मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, जो कि 12th बेस पर आपके होने वाले हैं, तो ये आप अच्छे से जान लीजिएगा। आपके सामने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां से इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो उसके बारे में जान लीजिए। यहां पर ही इंफॉर्मेशन दे रखा है, द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1 और 2, ठीक है, विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन। तो यहां पर दिया हुआ है द कैंडिडेट्स हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी यहां पर अभी कब होगा, नाविक डीबी हो या फिर नाविक जीडी, तो यहां पर आपको डेट दे रखा है। सबसे पहले पॉइंट नंबर जो 8 है नोटिफिकेशन का, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन में जो डिटेल आ जाती है, चाहे तूफान आए आंधी आए, लेकिन वो प्रोसेस उसी टाइम पर होता हुआ नजर आएगा आपको, और होता है लगातार, आप देख रहे होंगे पिछले टाइम से। और एंड मार्च 2023 में लिखा हुआ है स्टेज 1, यानी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 है, वो आपका होगा मार्च 2023 के एंड वीक में, यानी लगभग मैं आपको डेट दे रहा हूं यहां पर 23 के आसपास होगा, और या मे बी 25, यानी लास्ट वीक में होने वाला है। तो आप निश्चित हो जाइए कि आपका जो पेपर होगा वो मार्च के एंड वीक में ही होगा, और इसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी कीजिएगा। चाहे डीबी हो चाहे आपका जीडी हो, दोनों का प्रोसेस साथ में ही होने वाला है। और जिन्होंने जीडी का अप्लाई किया उनको मैं बताना चाहूंगा, कोई पेपर अलग अलग से नहीं होगा, उसी दिन सेम टाइम में उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा, ठीक है, उसी के प्रोसेस में होगा। यानी सेक्शन 1 हो गया, उसके बाद में तुरंत सेक्शन 2 होगा, ऐसा नहीं कि छुट्टी हो जाएगी और बाहर से आप आ रहे हैं सेक्शन 2 देने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेक्शन 1 और 2 साथ में ही होंगे, और यदि ओनली फॉर ओनली डीबी के लिए अप्लाई किया है तो सेक्शन 1 आपका होगा। यहां पर स्टेज 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और 3 के बारे में इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। और यहां पर आपका लिखा हुआ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, रिजल्ट हो चाहे आपका एडमिट कार्ड हो कब तक आएगा, तो आपका सबसे पहले इसमें क्या आता है, एग्जाम डेट और सीटी आता है, तो वो आपका आ जाएगा लगभग लगभग 15 मार्च के आसपास है आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सीटी है वो आउट हो जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कहां पर है और आपका कौन से सिटी के अंदर पेपर है किस डेट को, तो ये जानकारी भी आपको पहले है वो मिल जाएगी। और 2 से 3 दिन पहले आप अपना है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं 72 आवर्स एगो, यानी आपका जब एग्जाम है जिस डेट को, उससे आप बेहतर घंटे पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे डैशबोर्ड से। करते हैं भी सिलेबस कहां पर है, कैसे है, कितना है, किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको सिलेबस क्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले नाविक डीबी की अपन बात कर लेते हैं। यहां पर अपन बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो यहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच और सेक्शन 1, जिनको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि सेक्शन 1 क्या है, डीबी का पेपर है, यानी सेक्शन 1 के अंदर ओनली फॉर ओनली डीबी का ही पेपर आएगा। सेक्शन 2 है, उसके अंदर क्या आने वाला है, सेक्शन 2 के अंदर आपका ओनली फॉर ओनली जीडी के लिए आने वाला है, और लेकिन जीडी वालों को दोनों पेपर देने होंगे, यानी डीबी का और जीडी का खुद का। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखा है, यहां पर आपको थोड़ा बहुत व्यू देखने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल जरूर करेंगे। यहां पर इस साइड से आपको रीजनिंग वाला जो कॉलम है वो दिखाई नहीं देगा, तो वो आप देखेंगे। यहां पर क्या है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, और यहां पर आपका रीजनिंग है। तो यहां पर आपको चैप्टर दे रखे हैं, इनको या तो आप नोट कर लीजिए, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, तो आपको बार-बार से इसको जो स्क्रीनशॉट रखने की या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी डिफेंस चैंपियन के, और उसका जो लिंक है डिफेंस चैंपियन टेलीग्राम ग्रुप का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो साइंस के अंदर देखिए आपके चैप्टर दे रखे हैं, मैथमेटिक्स है, ये 10th लेवल का सिलेबस है, डीबी की अपन बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक ब्रांच है, नाविक डीबी की बात कर रहे हैं अपन सेक्शन 1 के अंदर 10th बेस पे है। इंग्लिश भी ऐसा ही है, आप यहां पर देख सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस के अंदर बात कर सकते हैं, ज्योग्राफी सॉइल यानी मिट्टी हो गई, रिवर, पर्वत, नदियां, सब इसके अंदर जो आपके
ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी है। इसी प्रकार से रीजनिंग के अंदर आप देख पाएंगे तो जो सारे के सारे चैप्टर दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कंप्लीट लगभग रीजनिंग आपकी यहां से आ जाती है। मोस्टली 6-7 आपको टॉपिक दे रखे हैं, ये चीजें आपको मिलेंगी। और मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको अच्छे से नोट करना है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपके सवाल है वो लाजवाब तरीके से पूछे जाएंगे और जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसी तरीके से आएंगे। साइंस के भी, जनरल साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हैं, आप नोट कर लेना। ये देखिए आपके सामने सिलेबस स्क्रॉल हो रहा है, तो आप इसको यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं इसका पीडीएफ आपको मैंने बोल दिया है कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं जीडी का सिलेबस क्या है। गाइस नाविक जीडी की अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, सेक्शन 1 है, यानी डीबी का सिलेबस है। क्या है? डीबी का सिलेबस है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से पहले भी बता दिया है कि ये आपके चैप्टर है वो होने वाले हैं, क्योंकि जीडी के अंदर आपको दोनों सेक्शन देने होंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर सेक्शन 1 का सिलेबस तो अपने पहले ही देख लिया है, तो अपन बात करते हैं डायरेक्ट जीडी के सेक्शन 2 में क्या आने वाला है। आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर एक अपडेट आएगा और यहां पर दिया हुआ है सेक्शन 2। ये देखिएगा सेक्शन 2 का यहां पर इंफॉर्मेशन आ जाता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। तो यहां पर फिजिक्स है वो 12वीं लेवल पर होगी, मैथमेटिक्स भी 12वीं लेवल पर होगी, तो आप इसको देखेंगे अच्छे तरीके से और ये आपके क्वेश्चन होंगे, चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से दे रखा है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट था सिलेबस नाविक डीबी और जीडी का, तो आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, एग्जाम पैटर्न को समझा होगा, एग्जाम डेट को समझा होगा, एडमिट कार्ड के बारे में देखा होगा, तो कंप्लीट जानकारी आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। कोस्ट गार्ड से लेकर आपको किसी भी प्रकार का डाउट शंका है तो आप जरूर आस्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।